दोस्तों हम अपने चैनल में आप लोगों का वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को एक कुर्ते की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका सिखाएंगे। इसके लिए हमने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर हमने कपड़े को उल्टा करके फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद में हल्की सी प्रेस लगा लीजिए, सिमटने वगैरह होती हैं वो सब निकल जाती हैं और कपड़ा हमारा अच्छे तरीके से जम जाता है। इसके बाद में यहाँ पर एक मार्किंग कर लेते हैं जहाँ से हम लोग सारी ड्राफ्टिंग करेंगे। अब इसके बाद में सबसे पहले हम लोग लंबाई यानी कि लेंथ का निशान लगाते हैं। तो यानी कुर्ते की लेंथ है 38 इंच। इंच टेप को यहाँ पर पकड़ेंगे और 38 इंच लंबाई है तो यहाँ पर हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा में छोड़ देंगे यानी कि 39 इंच मार्किंग कर देंगे। ध्यान रखिएगा जब भी कुर्ती कटिंग करेंगे तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा में छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा आधा इंच सिलाई में ऊपर यहाँ पर चला जाएगा और नीचे आधा इंच मार्जिन में चला जाता है तो हमारा परफेक्ट कुर्ता जो है तैयार होकर आ जाएगा। अब इसके बाद में इनके आर्मोल की मार्किंग करेंगे तो आर्मोल की मार्किंग हम लोग करेंगे चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट यानी कि सीना, चेस्ट इनकी है 40 इंच, इसका हमने आधा करा तो यहाँ पर हुआ 20 इंच, 20 का भी आधा करा तो यहाँ पर हुआ 10 इंच यानी कि चेस्ट का 1/4 करते हैं। अगर चेस्ट हमारी 40 इंच है इसका 1/4 करा तो यहाँ पर हमारा हुआ 10 इंच। अब हमारा फिटिंग कुर्ता है इसलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे 1 इंच कम कर देंगे यानी कि आर्मोल में 1 इंच की कटिंग कम करके करेंगे क्योंकि हमारा फिटिंग कुर्ता है और चेस्ट अगर 40 है तो यहाँ पर हम लोग 9 इंच पे आर्मोल की मार्किंग लगा देंगे। आप लोगों को ऐसा समझ में ना पाए तो पुराना कुर्ता लिखाइए उसकी नाप के हिसाब से जितना आप लोगों को उसका आर्मोल हो उसको नाप लीजिए और यहाँ से आधा इंच बढ़ा करके कटिंग कर दीजिए। अब इसके बाद में 16 इंच पर ही कमर की मार्किंग करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर 25 इंच पर इनकी हिप की मार्किंग हो जाएगी जितना हम लोगों ने कुर्ते से पहले ही ले ली थी। इसके बाद में अब इन सारे निशानों को सीधा कर देंगे और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीरा है 19 इंच, इसका आधा करा यानी कि हाफ पे यहाँ पे हुआ 9.5 इंच। अब 9.5 इंच में यहाँ पर आधा इंच छोड़ देंगे इस टाइम सिलाई के लिए यानी कि 10 इंच पर मार्किंग कर देंगे हम लोग तीरे की। चेस्ट है 40 इंच, इसका चौथाई भाग करा तो यहाँ पे हुआ 10 इंच, 10 इंच मार्किंग करेंगे और उसके बाद में चूँकि फिटिंग उल्टा है इसलिए यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ देंगे लूजिंग के लिए। इसके बाद में यहाँ पर अंदर तरफ आएंगे पूरा 1 इंच यानी कि जो हम लोगों ने चेस्ट की मार्किंग करी है उससे 1 इंच अंदर तरफ निशान लगाते हैं। अब इसके बाद में इस मार्क को सीधा करेंगे और यहाँ पर नीचे 1.5 इंच डाउन जाएंगे यानी कि 1.5 इंच नीचे यहाँ पर से डाउन निशान लगा देते हैं। गला इनका है 16 इंच, यहाँ पर मार्किंग करेंगे 3 इंच की और यहाँ पर मार्किंग नीचे साइड में कर देंगे 2.5 इंच की। और फ्रेंड इसके बाद में यहाँ पर से एक मार्किंग कर देंगे जिससे हम इसको सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे, कमर इनकी है 38 इंच, इसका हमने 1/4 करा तो यहाँ पर हुआ 9.5 इंच। 9.5 इंच करने के बाद में यहाँ लूजिंग के लिए छोड़ देंगे 2 इंच। हिप इनकी है 40 इंच, इसका 1/4 करा तो यहाँ पर हुआ 10 इंच और उसके बाद में यहाँ पर लूजिंग के लिए छोड़ देंगे 2 इंच। दामन इनका आएगा 12 इंच पर। अब यहाँ पर थे जो शेप पंटी है इससे शेप दे देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से एक मार्किंग करेंगे 2 इंच की और 2 इंच की मार्किंग करेंगे यहाँ पर से हम लोग जेब के लिए छोड़ देंगे 6.5 इंच। अब इसे कटिंग कर लेंगे।
आगे के पल्ले की कटिंग करने के बाद में अब बैक पल्ला कटिंग करेंगे। तो इसके लिए जो हमने आगे का पल्ला कट रहा था इसके ऊपर अच्छे से बिछा देंगे। बिछाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर से एक मार्किंग कर देते हैं, हल्की सी क्रॉस से मार्किंग करेंगे यहाँ पर से, क्योंकि बैक तीरा इसमें ही अटैच होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में कंधे इनके चौड़े हैं तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 2.5 इंच की मार्किंग कर देंगे। वैसे नॉर्मली 2.25 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर से मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर से भी 2.5 इंच की मार्किंग कर देंगे। ये हमारा शोल्डर की मार्किंग होती है। इसके बाद 3 इंच की मार्किंग यहाँ पर कर देंगे जो हम लोग इसका हाला कॉलर का हाला सेट करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से कॉलर का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 2.25 इंच। आप 2 इंच भी लगा सकते हैं और 2.5 इंच भी लगा सकते हैं, बाकी हम लोग बनाते टाइम इनको सेटिंग कर देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर से हम लोग जो गैप छोड़ेंगे बैग में, वो गैप छोड़ेंगे तकरीबन 1.25 इंच। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बैक कटिंग हो गई है। अब इसके बाद में इसकी आसीन कटिंग भी करेंगे। आसीन ही कटिंग करेंगे, इसके लिए हमने कपड़ों को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले आसीन की लंबाई की मार्किंग करते हैं। आसीन की लेंथ इनकी है 23 इंच, तो यहाँ पर नीचे टेप को रखेंगे और 23 इंच मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर नीचे फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे 2 इंच, जिससे हमारा आधे सिलाई में ऊपर यहाँ पर चले जाएगा तो हमारा 1.5 इंच यहाँ फोल्डिंग के लिए आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर से मार्किंग करेंगे एक 4 इंच कंची दिखाएंगे। आर्मोल कटिंग करी थी हम लोगों ने 9 इंच पर, तो यहाँ पर हम लोग 1/2 इंच बढ़ा करके यानी कि 9.5 इंच मार्किंग कर देंगे। इनकी मोरी है वो है 5 इंच, तो यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा देंगे यानी कि 5.5 इंच मार्किंग कर देंगे। कुर्ते की जेब की कटिंग करेंगे, इसके लिए कपड़ों को हमने फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले जेब की लंबाई का निशान लगाएंगे। एक कुर्ते की जेब की लंबाई है नॉर्मल हम लोग रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 20 इंच। यहाँ पर 20 इंच मार्किंग कर देंगे, बाकी आप लोगों को गाड़ी रखना है तो 1 इंच बढ़ा सकते हैं। हम फिर नॉर्मल रखते हैं तो यहाँ पर 20 इंच की मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में जिसकी जेब की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर हम लोग रखेंगे पूरे 7 इंच। पहले सो कट कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर से 6 इंच जो फोल्डिंग के लिए निशान लगा देंगे और इसको हम इतना यहाँ पर से फोल्ड कर देंगे। हम देख रहे हैं कि 6 इंच हमारी नाप सही आ रही है। यहाँ पर 6 इंच को फोल्डिंग के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में इसमें यहाँ पर कुटका मार देंगे। अब इसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पलट लेंगे।
पलटने के बाद इसमें यहाँ पर इसमें लवण गुड़ाई कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे कुर्ते की कटिंग पूरी हो गई है। इस तरीके से हम लोग कुर्ते की कटिंग करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा दीजिए। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। आप लोग सिलाई का काम बहुत ही आसानी के साथ में अगर बैठे बैठे सीख जाएंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।